मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9 और आज है मंडे। भाई बच्चा स्कूल नहीं गया, एम की गलती नहीं है इसमें, मेरी गलती है। मिसेज ने बोला था 7:15 बजे, भैया 7:15 बजे उठ जाओ, मैं उठ ही नहीं पाऊँ, सच बोल रहा हूँ। एंड बाय द टाइम आई गॉट अप इट वाज ऑलरेडी 7:45। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को पता है मेरे बच्चों को कितना टाइम लगता है रेडी होने में, सो छोड़ो यार, कोई पॉइंट नहीं है वॉच वॉच करने का। बाय द वे, हिमांशु इज लिविंग फॉर दिल्ली टुडे, थोड़ी देर में इसके बारे में भी अपडेट दूंगा क्या सीन सब आटा बैठा है। बाकी ये आज शाम को 7:30 बजे की उसकी गाड़ी फ्रॉम गांधीधाम जल्दी बेसिकली, एंड दैट्स अबाउट इट। आज के दिन में क्या क्या रहता है आप लोगों को पता चल ही जाएगा। कुछ कोरियर्स निकालना है, कुछ बिल्स हैंड ओवर करने हैं, नीचे के प्लांट्स में पानी डालने का टाइम आ गया है। कल हमने छत के प्लांट्स में भी पानी डाल दिया था। वही सुबह की कॉफ़ी भी मिल गई है, एल्सा और एना और उलोफ भी। बड़े सारे सिरेमिक मग्स हैं जो मुझे ऑर्डर करने हैं, ऐड टू कार्ट भी करके रखा है मैंने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों जगह पे, लेकिन मंगवाता नहीं हूँ। रीज़न था क्या, सिरेमिक के मग्स बैटमैन सुपरमैन वाले जो होते हैं, ही सुपर हीरोज़ वाले, वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन यार मेट सर्वेंट जो होते हैं ना उनसे मग्स टूट जाते हैं। क्या होता है यार, पता नहीं क्यों, पर सिरेमिक वाले मग्स चलना ज़्यादा टिकते नहीं हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई अपन मेलामाइन वाले मग्स यूज़ करते हैं। 6 महीने साल भर यूज़ किया और उसके बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। दोपहर के 12, नाना धोना डन, पूजा पाठ डन, बच्चे को लेके जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। पिछले एक हफ्ते से खांस रही है एंड शी इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट, सो मिसेस इज बिजी एंड आई सेड मैं ले जाता हूँ। प्लस गरिमा के लिए शू शॉपिंग करनी है, सो इसके हॉस्पिटल के बाजू में जो शू शॉप है नॉवल्टी, वहाँ से हम लोग इसके लिए शूज़ भी ले लेंगे, स्कूल के लिए भी और घर के लिए भी कुछ लेना है। सो ऑल इन ऑल अभी 12 बज रहे हैं, सो मोटा मोटा हम 1:30 बजे तक वापस आएंगे इफ़ ऑल गोज वेल। हिमांशु निकल गया है कांडला के लिए, डैड निकलेंगे थोड़ी देर में टूना के लिए, और शाम को हिमांशु की ट्रेन है फॉर दिल्ली। पैकिंग वैकिंग कर ली है उसने, आई जस्ट होप टाइम से बेचारा वापस आ जा, सो दैट मैं उसको टाइम से वापस छोड़ने जा सकूं। को डॉक्टर को दिखा दिया है, थोड़ी देर में बताता हूँ क्या बोले डॉक्टर। अभी जा रहे हैं इसके लिए फुटवेयर लेने, सो वी आर हियर एट नॉवल्टी फुटवेयर। अच्छे बच्चे की शॉपिंग चल रही है, अभी देखें इसके स्कूल के शूज़ यहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। वी आर आउट ऑफ नॉवल्टी फुटवेयर एज वेल, टाइम हो रहा है 1:30, अब जाएंगे घर, मैंने बोला था 1:30 बज जाएंगे, बज गए, अब निकलते हैं घर के लिए। थोड़ी देर में बताता हूँ गरिमा के डॉक्टर ने क्या कहा। न्यू कपड़ों का क्या करोगे, फिर पहन के क्या करोगे। टाइम हो रहा है 2:10, लंच ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। सैटरडे को जो कंटेनर का सर्वे किया था उसका रिपोर्ट अभी तक देना बाकी है, सो हम एक काम करते हैं फटाफट पहले कस्टमर को वो रिपोर्ट भेज देते हैं। लोडिंग काम चालू हो चुका है, ये है वो लाइन जिसका कंटेनर अपने क्लाइंट ने यूज़ किया। हिमांशु दिल्ली जा रहा है एंड क्या बोल सकते हैं, ठीक है, फॉर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ही हैज़ बीन इन गुजरात,
अच्छा खासा उसने काम सीखा है एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस ओवर हियर नो डाउट. अब दिल्ली जा रहे फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, एक मैनेजेबल एज हो गई है, दूसरा ही कम्स फ्रॉम पंजाबी फैमिली, वहाँ पे तो भैया अभी तक लड़कों की शादी हो जाती है इस एज पे. अभी हिमांशु आ चुका है सो ऑलरेडी तो फैमिली प्रेशर आ ही रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली जाएगा तो भैया हमारा जो दिल्ली का काम है वो संभाल लेगा. हम लोग काफ़ी सारा काम है दिल्ली बेस्ड जो आउटसोर्स करते हैं, ही इज़ देयर, ही कैन लुक आफ्टर दैट बिजनेस एज वेल. पर्सनली आई एम लिटल बिट डिसअपॉइंटेड बट दिस इज़ हिज डिसीजन एंड आई विल रिस्पेक्ट इट फॉर द वेरी सिंपल रीज़न बनता है. शाम के 5:30 थोड़ी देर में चाय पानी करेंगे. हिमांशु की गाड़ी 7:40 की है सो वी नीड टू बी देयर बाय 7:50 रेलवे स्टेशन पे. और देखें शिव मंदिर जाना था, आई डोंट थिंक सो शायद पॉसिबल हो पाएगा, और अगर होगा भी तो भी टच एंड गो रहेगा. और बच्चा भी बोल रहा वो भी चलेगा रेलवे स्टेशन में मामू को सी ऑफ करने के लिए. तो मैंने उसको बोला मत जाना यार, खामा खा तू रोएगी, लेकिन वो बोल रही है वो जाना चाहती है, मामू को सी ऑफ करना चाहती है, वो स्टेशन पर रोना चाहती है जैसे उसने अपनी नानी के लिए किया था. देखते हैं क्या होता है. बाकी डायरेक्ट टूना के लिए निकल चुके हैं एंड आई डोंट थिंक सो इट बी कमिंग एनी टाइम सून. उड़ते तीर उड़ते तीर. मेरा फोन चलो 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 हाँ? लेट हो रहा है. चलो 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 शाम के 7:40 और हिमांशु जी को उसकी ट्रेन में बिठा दिया है. अभी ट्रेन चली नहीं है, जब चलेगी तब की तब देखेंगे. बाकी बच्चा बोल रहा था उसको भूख लग रही है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, अब कुछ ठंडा तो दे नहीं सकते, कुछ चिप्स सिर्फ दे नहीं सकते, तो फ्लेवर्ड मिल्क होता है वो फिलहाल वो ही दे रहा है. व्हाई आर यू हंग्री? अभी आपने दूध पिया. हाँ टाइम हो रहा है, रात के 9:30. खाना पीना हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आपका भी हो गया. एक मानसू को स्टेशन ड्रॉप करके आ गए. थैंकफुली बच्चा ज़्यादा रोया धोया नहीं, जब उसकी नानी जाती तब तो बहुत धोती धोती है नो डाउट. सीन को जैसा फ्रेशअप व्रेशअप होंगे, चेंज ऑफ क्लोथ्स करेंगे और फिर चले जाएंगे हॉस्पिटल गरिमा के लिए. उसको क्या बताऊँ, ओके हाँ अभी गरिमा का सीन को जैसा है, सुबह जब उसको डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर ने बोला उसको कफ जम तो गया है यहाँ पर, लेकिन बेसिकली शी इज़ छोटी बच्ची है तो वो कफ करके स्पिट नहीं कर सकती. तो जब उसको खांसी आती भी है तो शी इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग द कफ आउट, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर हर. तो अभी गरिमा को नेबुलाइजर लगेगा, पहले भी एक दो बार लग चुका है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम एंड यूजुअली इट हैपेंस जब उसको सर्दी होती है और जब सर्दी लंबी खिंच जाती है तो उसको नेबुलाइजर लगता ही है. सो अभी हॉस्पिटल जाएंगे, मोटा मोटा 1.5 घंटा वहाँ लगेगा ही लगेगा. जिक बाय द सिचुएशन मुझे नहीं लगता वो कल के दिन स्कूल जा पाएगी. एज इट इज़ उसकी डॉक्टर ने ही बोला फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज उसको स्कूल मत भेजो, उसका ट्रीटमेंट चलने दो. लेट्स होप कि वो जितना जल्दी हो सके इस सिचुएशन में से रिकवर कर सके. उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो हुक्म. बाकी हाँ चलो यार, मानसूब दिल्ली जा रहा है,
तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा बांडिया, तेरी जुदाई का गम मैं सह लूंगा। टाइम हो रहा है रात के 10 और हम निकल चुके हैं गरिमा जी के हॉस्पिटल। मोटा मोटा एक घंटा तो कम से कम लगेगा उसके ट्रीटमेंट में, प्लस आना जाना जो लगता है। सो आई डोंट थिंक सो बिफोर 12 वी विल बी कमिंग होम। उससे पहले आ गए तो अपनी किस्मत। चलो मैं खोल देता हूँ। टाइम हो रहा है 11:30। बच्चे का जो नेब्यूलाइजर वाला कोर्स था वो निपटा के घर आ चुके हैं एंड वी आर डॉग टायर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी है, कल के दिन में हमें मुंद्रा का चक्कर लगाना पड़ सकता है भैया। कल फर्स्ट हाफ में ना लगे तो बेटर है, एटलीस्ट थोड़ी नींद करने को मिल जाएगी। बाकी डैड टूना पोर्ट पे हैं एंड आई डोंट थिंक सो ही विल बी कमिंग बिफोर टुमारो मॉर्निंग। नो कमेंट्स व्हाटसोएवर। बाकी थोड़ी सी लाइफ अब हेक्टिक हो जाएगी। ऑब्वियसली हिमांशु दिल्ली जा चुका है, सो इट वॉज लाइक एन हेल्पिंग हैंड ऑफिशियली एंड पर्सनली। कोई ना यार, उसकी लाइफ है, ही हैज़ टू मेक समथिंग ऑफ इट एंड आई एम क्वाइट हैप्पी दैट ही इज़। चलो कोई ना, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। एंड ऑफिशियल चैनल पर वीडियोज़ आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ चेक इट आउट। अपना चैनल है उसको भी अपना प्यार दीजिए। गुड नाइट फॉर नाउ, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू टुमॉरो। बाय।